Bengal's opener Abhimanyu Easwaran played the innings with an unbeaten 183 as Bengal chased down a record 322 to record a 7-wicket win and virtually knocked Delhi out of the Ranji Trophy Elite Group B. कल की 183 रन में नॉट आउट की पारी खेल के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अपनी टीम को जिताने में सफल रहा और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं नॉट आउट रहूँ लास्ट तक और हर क्रिकेटर का ये सपना रहता है कि वो अपनी टीम को जिता के बाहर लाए तो बहुत ही अच्छा लगा कल की पारी खेल के। मेरे को बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था और मैं 11-12 साल की उम्र में ही कैलकटा आ गया था। मेरे कोच थे वहाँ पे मिस्टर एन सेन गुप्ता, उनके पास रहता था और काफ़ी साल यहाँ पे प्रैक्टिस करी। यहाँ से मैं अंडर 16 बंगाल, अंडर 19 बंगाल खेला और वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए मेरे को रणजी टीम में सिलेक्शन हो गया था और तब से मैं भी रणजी खेल रहा हूँ और इंडिया के लिए भी खेल रहा हूँ। और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरा रहा है मेरी फैमिली, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहन, और अभी मेरे जो कोच हैं मिस्टर अपूर्व देसाई, वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और बस अभी जो चल रहा है उससे बहुत खुश हूँ। मैं एक साल ढाका प्रीमियर लीग खेला था तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के बॉलर, अलग टाइप के विकेट्स पे खेलने को मिला। स्लो विकेट्स थे, कुछ जो टर्निंग ट्रैक्स थे वन डेज में, तो वो अनुभव मेरे को कहीं ना कहीं आगे ज़रूर काम आएगा और कोशिश करूँगा जब मौका मिले वहाँ जाके खेलूँ। मेरे लिए ये सीज़न अभी तक ठीक ठाक जा रहा है और कोशिश करूँगा कि आगे भी अपना परफॉर्मेंस जारी रखूँ और टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करूँ और टीम को जिताने की पूरी कोशिश करूँगा रणजी ट्रॉफी।